हो गया लंच अब ये डाल के इसमें बैग में लूंगी ना बैग तो नहीं लेना हाँ बैग में डाल दो Assalamualaikum everyone, welcome to another vlog. मैं हूँ कमल कमल अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आपने से अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले से सब्सक्राइब कर लें। सुबह सुबह उठ के अब मानो बब्बू को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि कुछ दिन से ये हमारी रूटीन है कि उसको छोड़ के आते हैं और ले के आते हैं। तो चले पहले मानो बब्बू को स्कूल छोड़ के आते हैं और फिर देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं। आ जाए मेरे साथ। पिक्चर लगी हुई मानो की दिखाओ कहाँ पे। हाँ ये तो मैंने देखी नहीं, ये तो मेरी मानो की पिक्चर लगी हुई है। ये तो मानो मैंने देखी नहीं, इधर भी लगी हुई है। हाँ ये भी लगी हुई है भाई। बैग दे दे, लो जो बैग लो बैग लो, चलो भाग जो बब्बू। अब भाई ओके अल्लाह हाफिज बब्बू। करना ओके पीछे तो नहीं मुड़ना देखना पीछे पीछे मुड़ के देखते भी नहीं वही ना पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है बच्चे वो भागते हैं। लोगों के बच्चे रो रो के हमारे माशाल्लाह खुशी खुशी जाते हैं। प्लाटून आ गया बहुत तेज धूप है। कोई उसे चढ़ाए ना चढ़ाए वो खुद चढ़ जाएगा। तेज धूप है। कौन सी ली है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए मेरा बच्चा ओए मेरी जान, चोट लगी है हैं? ओए मेरी गुड़िया। कौन सी लेनी है? उसके काम देखो पागल बाबू। अंदर ही गिर जाओगे इसके। दो दिन से ना इनके लेने की ड्यूटी हमारी है और इतनी तपती धूप में सुबह छोड़ के गए हैं। पहले तब भी धूप थी और अब तो बहुत ही तेज़ धूप है। तो अभी इस रास्ते से आए ना तो सिर्फ एक एक आइसक्रीम लिया है ना। कल तो कबाड़ा किया था इन लोगों ने मेरा। चुप करो अभी भी लेंगे। लंच किया था आपने? क्यों बंद करवा देती हैं? आप पढ़ती नहीं ना होगी फिर तो फिर टाइम से खाता है ना। आप तो आहिस्ता आहिस्ता खा रही होगी तो मैम कहती होंगी अब जल्दी जल्दी खा लो। उफ बहुत तेज धूप है वो साइड पे होगी। चलो बब्बू इसीलिए शूज गंदे होते हैं ना। ये देखो इसके काम, चोट लगेगी। A few moments later. वो फारी आ रही है, मैं छत पे आ गई हूँ। दो लोगों की मदद कर देना। हमारी तरफ ही आई है। क्यों लड़ रहे हो आप? अभी नहीं आई वो चीज कैमरे में कैप्चर हो जाती। क्या था क्या हुआ था? छोटे मोटे क्या किया था बताओ खिजर के साथ? पानी निकाला ना फिर। अब देखो ना बारिश का निकाल दो। कितना अच्छा मौसम हो रहा है दो तीन दिन से ना। कान पारा इधर मुझे दे। आशिक क्या कर बच्चे हो छोटे हो आप? यार फारी आ गई। मेरा ख्याल है मैं नीचे जो मैं मस्त हूँ ऊपर आई थी। इतना प्यारा मौसम, सर्दी हो रही है बच्चों को, सर्दी लग रही है। दिन में धूप थी इतनी। और नहीं करो खिजर, नहीं करो खिजर लग जाएगी। खिजर बहुत उल्टे काम करता है। याद है खिजर ने देखा था परसों व्लॉग में जिसने प्लेट फेंकी उठा के? इतनी प्रेशर से प्लेट फेंकी अगर किसी को नीचे लग जाती ना लग पता जाता। चलो जो फारी की कॉले आ रही है भी मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आती हूँ। इसको भी घुमा दो थोड़ा सा। चलो जी दोस्तों मैं नीचे जा रही हूँ, अभी मैं ऊपर आई थी। फारी आ गई है, चलो आ जाओ। सलाम अलैकुम फारी जी। अब लाइट बंद करके बैठेगी। क्या लेके आई हैं आप हमारे लिए घूंघट में? अच्छा अब ये एक ना इसके अम्मी ने नया टोटका, उन्हें पता है जाती छः छः घंटे आती नहीं है। कभी इसको लहसुन दे देंगे वहाँ बैठ के छीलो, कभी नहीं चने, कभी कहेंगे चने जाके छील के लाओ कच्चे चने।
लहसुन ये लिया, इसकी अम्मी कहती है मुझे बैठ के लहसुन छीलो। तूने वापस तो 6 घंटे बाद ही आना, कोई काम तो कर। अच्छा ये देसी लहसुन है ना, देसी लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है लेकिन इसको छीलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा ये गीला है, जल्दी छिल जाएगा फारी। हाँ फौरन छिल जाएगा, इसे तो मैंने हामी भर लिया वरना दूसरा बहुत मुश्किल होता है। ड्राइंग रूम में गंदा करना यार, ये बच्चे बहुत तंग करते हैं। इधर आ जाओ जल्दी से, तंग नहीं करना। इधर मानो जरा, इधर आना मानो की लिपस्टिक चेक करें जरा। इधर आओ जरा एक मिनट गुड़िया, दौड़ी आओ दौड़ी आओ, थोड़ी सी आगे आओ ना, इतनी डर लिपस्टिक लगा लगा। नहीं बेटा ये पहले बहुत तेज लगा लिया आपने, पागल बच्ची। मैं ला के देती, रुको। चलिए जी फारी ये लहसुन छीले, मैं भी आती हूँ जरा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ ताकि फिर मैं व्लॉग लगा दूँ और फिर आपका लहसुन साथ में आपको छिलवाऊँ। तूफानी बारिश है वहाँ पे, तो लोगों ने ना आज तो बहुत तूफानी बारिश है कश्मीर में, फिर स्टेटस लगाया था इसी से लॉबी बारिश और सैलाब ऐसे ही है। 3-4 दिन से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है इधर हर जगह ही हो रही है। दुबई सारा डूब गया था देखो जरा। वैसे इसलिए भी बारिश अच्छी नहीं होती क्योंकि फसल पक रही होती है ना, फसल पक रही है, कह रहे हैं कि बिल्कुल भी क्यों भाई नीचे आ रहा है। सारे काम करता है बर्तन धो गया फिजर ऊपर से। हाँ काम करता है, प्रोटीन शेक कोई फिजर बेचारा बहुत अच्छा काम करता है, आई मीन बहुत अच्छा काम करता है अपनी बहन के साथ, हमारे साथ नहीं करता, अपनी बहन के बर्तन धो के ऊपर से। इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश आशी सुबह से लगा, फारी कहता है मरी चलते हैं, ये स्नोफॉल हो रही है। मैंने एक बार पेट्रोल किसी दिन निकलूंगा तो पेट्रोल आठ लाया, बैठने का शौक नहीं, मुझे ऐसी उल्टियां आती हैं। मैं तो ये अच्छा ये पहली बंदी होगी जिसको गाड़ी में बैठ के ना वॉमिट आती है। सुमैरा को भी आती है, सुमैरा को भी ये सुमैरा और ये ना फारी का ये सीन है कि गाड़ी में बैठते तो उनका दिल खराब होता है, उनको वॉमिट आने लग जाती है। ये रिक्शों में आराम से इजीली जाती है ना, फ्रेश एयर आती रहती है। तो इतनी अच्छी बारिश हो रही है 2-4 दिन से ना, कल तो बड़े ओले शोले भी पड़े सुबह से है ना, सुबह से आशीष लगा हुआ आए ना चले मरी चलते, स्नोफॉल हो रही है। मैं कहा चुप करके बैठो मरी चलते हैं। उन्होंने अंदर वखरे खप डाला हुआ, किधर आके थोड़ा लहसुन छिलवा दो मेरी दोस्त के साथ, वो अकेली बेचारी लहसुन छील रही है। खेलो 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 खप डाली, लहसुन छीलने का कोई नहीं आता आज के जमाने में, तो गरीब के साथ लहसुन छिलवा दो थोड़ा सा यार। उठना यार लहसुन छिलवा जा, इधर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने बैठ गया। ये देखें आंटी बलिया कितना फिट हो रहा हूं मैं, दिखाओ दबाओ जाओ। सुबह से मुझे वीडियोस दिखा रहा है मरी क्या हो, मरी चले आओ मरी चले, वही सोया हुआ ना वरना तो चला ही जाता ना। लहसुन की सारे जो है ना कलियां अलग अलग कर ली हैं बेचारे के जनाब। अच्छा इसकी अम्मी ने ना सही टोट का बना हुआ, अब जब जाती है ना इसको कोई ना कोई चीज पकड़ा देती है, जा उधर बैठ के काम करके ला। मैं छिलवाऊंगी अपनी दोस्त के साथ अभी लहसुन, मैं थोड़ा सा व्लॉग बना रही हूँ ना, उसके बाद मैं इसके साथ लहसुन छिलवाऊंगी। अच्छा तो जनाब ये बच्चों के लंच के लिए पिज्जे बन रहे हैं, मुझे याद ही नहीं रहा व्लॉग बनाना, 2 महीने बना लिया, सबको बनाने आती होगी, जो बना रही है बाकी चीज़ें बनाते हैं साथ साथ। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है, बहुत लेट मुझे सोनिया ने याद किया, हमें व्लॉग नहीं बनाना क्योंकि लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी मैंने सोचा बनाऊं। तो यहाँ पे ये अभी चीज़ें मैंने काट ली, शिमला मिर्च प्याज, अब छोटा सा टमाटर भी हम छोटे छोटे क्यूब्स कर लेंगे साथ। ये चीज़ है जिसे मैंने कश कर लिया है बारीक बारीक, थोड़ा सा और काट लो लड़की, कोई बात नहीं दूसरा और काट लो। तो अच्छा जनाब क्योंकि कुकिंग चैनल नहीं है तो इसलिए मैं बहुत कुकिंग चैनल नहीं है तो इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो फिर मैं बता दूंगी। ये सॉस भी मैंने खुद बनाया है, ये राज आई मीन ये सॉस भी मैंने खुद बनाया करी, ये राज भी मैंने खुद बनाया, सॉस भी बना लिया है, छोटे छोटे पिज्ज़े बनाते हैं। अच्छा जनाब पिज़्ज़ा जो हम जुगाड़ पे बनाएंगे इस ये चूल्हे पे मैंने रख दिया है, इस पे मैंने स्टैंड लगा दिया है। अब ना जनाब इधर आ जाते हैं, अब ये मैंने सॉस जो बनाई थी ये हमने ना थोड़ी थोड़ी सी इस पर लगाएंगे, छोटे छोटे से मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं बच्चों के स्कूल के लंच के लिए कल के लिए, इनकी ईद मिलन पार्टी, हाँ इनकी पार्टी है तो इसके लिए।
चने के नाम ये कर लेंगे, और साथ मैंने वो चिकन टिक्का भी तो बना था खा गया, और ये छोटा सा छोटे छोटे क्यूब बना के ना चिकन के, चिकन टिक्के के साथ मैंने इसको फ्राई फ्राई कर लिया। किचन में इस वक्त बहुत आपको गंद लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये गंदा किचन नहीं है, ये इसको कहते हैं बिजी किचन, मैंने पहले भी बताया बिजी किचन है ये, बिजी किचन है। तो जनाब अभी अभी हम क्या करेंगे कि इस पर कोई एक एक दो दो शिमला मिर्च रख लेते हैं, साथ साथ एक एक दो दो बूटियाँ रख लेते हैं, चाचा जी आए जी 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 काम कर रहे हैं ना। मम्मा मम्मा लगी भी हो आप, पिज्जा खाना है, हमने पिज्जा खाना है, वो बॉल है बब्बू का छोटा सा, खेलो। चलो जी वापस आते हैं अपनी कुकिंग की तरफ, बच्चों ने अंदर अपनी पोइम्स लगाई हुई हैं, ढक्कन लिया हमने देशकी का देशकी का ढक्कन लिया हमने, जुगाड़ किया ना क्या करें, ना खाएं मर जाए। नहीं नहीं जिंदगी बनी वो ये काम करें, क्यों मरे, बहुत पिज्जे बनाए हैं मैंने, बहुत सारे रोज घर में तो हमने बहुत कुछ हाँ, गैस का बहुत इशू है, हाँ तो प्रॉपर चीज़ें भी थी सब मेरे पास, अभी भी पड़ी हुई हैं, लेकिन अभी वो देज का छोटा है, उस पर इतनी ज़्यादा पिज्ज़ा ट्रे आ नहीं सकती। चले जी अभी मैंने इसको ओवन में रख दिया अपने जुगाड़ी ओवन में, इसको हम कवर कर देंगे और देखेंगे थोड़ी देर तक ये पिज़्ज़ा बनता है, इसका टकाता हो गया, थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं क्या बनता है इसका। चले जी अभी आपको थोड़ी देर तक दिखाते हैं इसका क्या फाइनल लुक, तो मैं भी इसको कर दूंगी कवर, 10 मिनट हुए हैं क्योंकि मिनी पिज़्ज़ा तो फ़ौरन से हो जाएगा, ज़्यादा चेक करते हैं, फूल रहे हैं फूल रहे हैं। अभी इस पर हम थोड़े से ऑरिगानो डाल देंगे, दस एक मिनट में बन जाएगा, फिर कवर कर देते हैं, स्मॉल पिज़्ज़ा बना लेते हैं। अभी इस पर हमने डो में थोड़ा टक टुक कर दिया, अब इस पर सॉस लगा देंगे, चलो जी ऑरिगानो डाल के इसको थोड़ा सा रख देंगे जब तक वो पिज़्ज़ा बनता है, क्योंकि ओवन एक है हमारे पास, उसी ओवन में यही जाएगी, तो वो जब तक ये बनता थोड़ी ये रेस्ट कर लेते तब तक। देखो खुशबुएं तो आ रही हैं, वाह 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 वाह, चेक किया गाइस आपने, तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे बस हो जाएगा इंशाल्लाह। जनाब ये मिनी पिज़्ज़ा हमने मिनी देचकी में रख दिया है, क्योंकि उस पर थोड़ा 5-10 मिनट हमने कहा जल्दी से ये बन जाएगा, इसको हम कवर करते हैं, ये भी तकरीबन आगे भी जाना है ऐसी। माशाल्लाह देखें छोटे छोटे से पिज़्ज़े तैयार हो गए हैं, ये देखें कितने हसीन और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, बच्चे भी खुश हम भी खुश, और शुगर लोग ऐसे होते हैं। फारी चेक किया, अब इंशाल्लाह कल फारी बनाएगी ये, फारी कहती मैंने 1500 का लंच बनाया कुजी के लिए मंगवाया, फारी हमने 500 में सारा काम कर लिया, देखें माशाल्लाह गाइस बुड्ढी फूल पिज़्ज़ा। चलो ये देखें गाइस आई थी ऊपर चढ़ी, चुप करो, ये खुद ऊपर आई थी पहले भी, और ये गिर जाएगी आई देख लो, और रख दिए क्योंकि 2 बज गई थी, तो अभी ये 4-5 पीस और बन जाएंगे, 4-5 ही बन गए हैं और एक इधर बन रहा है, ये अभी बन रहा है, बबू ने जान खाई के मुझे अभी दे दो, हालांकि अभी भी देना है, चेक करके बताओ कैसा बना, हां का चेक करके बताओ ना, ये पड़ा जान बताओ बब्बू के पीछे, फिर बताओ कैसा बना, खा के टेस्ट करके बताओ, मजे का बना, चलो एक आप ही को भी दे दो बस, चलो भाग जाओ भाग जाओ दोनों ऐसी चीज भी बच गई, इसको दोबारा फ्रीजर में रख, अब ये जो बच गया ना इसका हम एक बना लेंगे बहुत ही एक मजेदार सा पराठा, रोगनी नान टाइप, उसको चीज़ डालने, अभी तैयार हो गया, आजू ने खाप डाली हुई है, मैं ज़रा इसको बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ, देखें अच्छा गोल्डन ब्राउन सा हो गया ऊपर से, अभी बन गया, तो जनाब ये पिज़्ज़ा भी बन गया, अब इस पर हम हल्का सा ना दूध या पानी लगा दें, थोड़ा ये सॉफ्ट रहता है नरम, अब हार्ड नहीं होता, कि साइड दूध या पानी कुछ भी लगा दें ताकि ये जो है हार्ड नहीं होते नरम रहते,
फिर जनाब ये सारे पिज़्ज़े तैयार हो गए हैं, बच्चे कुछ लंच में भी ले जाएंगे सुबह और कुछ अभी भी खा लेंगे। तो बताइएगा कैसे लगे आपको मेरे ये मज़ेदार से मिनी पिज़्ज़े। ये जनाब मानो का लंच है जो उसने दो बच्चों के साथ शेयर करना है, और ये बब्बू का लंच है। तो पिज़्ज़ा गर्म करते हैं, हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ और डाल दी थी, तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। हो गया लंच बैग तो नहीं, हाँ बैग में डाल दो, और बैग में कैसे जाएंगी। तो चलें जी, बच्चों का लंच वंच बना दिया है, पैक कर दिया है, अब ये स्कूल ले जाएंगे, इनकी ईद मिलन पार्टी है। मुझे कमेंट में बताइएगा कि पिज़्ज़े कैसे लगे आपको। आज के व्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।